मत समझना हमारी बात को भैया। कितने गई? गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल, आई एम तन्नु। सो आज कैमरा स्टार्ट करने से पहले ही मेट्रो आ गई, फटाफट हमने कैमरा ऑन करा एंड यस आज हम जाने वाले हैं करोल बाग मार्केट, जो कि दिल्ली की फेमस मार्केट है। यहाँ पहुँचने के लिए नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन आपका करोल बाग ही रहने वाला है। एंड मंडे को यहाँ पे टोटली पटरी कलेक्शन लगता है, तो आज की इस वीडियो में हम पटरी कलेक्शन को एक्सप्लोर करेंगे। तो ये गेट नंबर 2 है, गेट नंबर 1 एंड 2 दोनों साइड से आप एग्जिट कर सकते हैं। एंड जैसे ही आप एग्जिट करेंगे मेट्रो से, आपको इस तरीके के कलेक्शन बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से ही दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। थोड़ी दूर चलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि क्या मैं आ भी रही हूँ, आप मुझे देख भी पा रहे हो या नहीं। सो मुझे छोड़ो, आप पहले व्यू को देखो, मतलब इस तरीके के पटरी कलेक्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड स्टार्टिंग पॉइंट में ही आपको पर्सेस के भी कलेक्शंस देखने को मिलेंगे, हैंड बैग, यहाँ पे स्लिंग बैग, टोट बैग भी अवेलेबल थे, भैया निकाल रहे थे। तो ये जितने भी बैग के कलेक्शन है सभी का प्राइस है जस्ट 250 रुपीज़ का। एंड यहाँ पर जो भी आपको ऑप्शन पसंद हो उसमें कलर वराइटीज़ भी काफ़ी मिलने वाली है। मंडे के दिन मैंने विजिट किया था करोल बाग में, क्योंकि मंडे वाले दिन ही आपको ऐसे पटरी कलेक्शंस देखने को मिलते हैं। एंड अदर डे जो है वो शॉप्स ओपन होते हैं, पटरी कलेक्शंस इतने नहीं लगते हैं। तो आगे आपको वॉचेस के कलेक्शंस देखने को मिल जाएंगे, 100 रुपीज़ से स्टार्टिंग हो जाती है। बच्चों के बड़ों के कलेक्शंस मिल जाएंगे। एंड यहाँ पर आपको इस तरीके के शूज़ के भी कलेक्शंस देखने को मिलेंगे, इनकी क्वालिटी मुझे अच्छी लगी। 450 रुपीज़ प्राइस कोट किया था भैया ने, 450 रुपये का कोई सा भी आप ले सकते हैं। एंड साइजेस, कलर ऑप्शन सभी यहाँ पर अवेलेबल थे। तो मार्केट में मैंने विजिट किया था 11 बजे, वैसे 9:30-10 बजे से ये मार्केट लगना स्टार्ट हो जाती है एंड इवनिंग तक ये मार्केट ऐसी ही लगी रहती है। आगे जो है आपको स्वेटर वगैरह के भी कलेक्शंस देखने को मिल जाएंगे, बेसिक बेल्ट के, सॉक्स के। एंड अगेन मतलब विंटर के कलेक्शंस तो अभी आपको हर मार्केट में देखने को ही मिलेगा, क्योंकि विंटर एंड सेल चल रहा है अभी, तो आपको इस तरीके के कलेक्शन देखने मिल जाएंगे। आगे जो है ये वाले भैया के पास जो सनग्लासेस है वो बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल होते हैं एंड हर तरीके की शेड यहाँ पे अवेलेबल है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। प्राइस भी यानी कोट किया था 100 to 150 रुपीज़ के रेट में आपको यहाँ पे कोई भी सनग्लासेस मिल जाएंगे। तो मैं भी चेकआउट करने के लिए लग गई एंड 2-3 मुझे तो अच्छे भी लगे। तो फर्स्टली तो ये आप देखिए टैग के साथ वाला ठीक था, देन उसके बाद मुझे ये वाला बहुत प्यारा लगा, मैंने दूसरा ट्राई किया था एंड ये वाला मुझे अच्छा लगा, तो फिर मैंने इसे फटाफट परचेज़ कर लिया। 150 रुपीज़ का था एंड भैया के पास ऑप्शंस भी आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे आपको जगह जगह इस तरीके की मोबाइल एक्सेसरीज़ की शॉप भी देखने को मिल जाएगी। वैसे तो आज के दिन मंडे के दिन कम है, अदर डे आप जाएंगे तो आपको भरमार कलेक्शंस देखने को मिल जाएंगे, मोबाइल एक्सेसरीज एंड मोबाइल्स वगैरह के जो वर्क है वो भी यहाँ पे हो जाते हैं। सनग्लासेस आपको जगह जगह देखने को मिल जाएंगे एंड इस तरीके के वॉलेट के भी कलेक्शन देखने को मिलेंगे, इनका प्राइस था 100 रुपीज़ का। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। देन आगे मार्केट में आपको इस तरीके के शूज़ के कलेक्शन देखने को मिलेंगे, इनका प्राइस था 350 रुपीज़ का एंड ट्रस्ट मी ये बहुत ही सही थे। ये वाइट वाला आप देखिए बहुत अच्छी इनकी क्वालिटी थी एंड मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि इतने टाइम से मैंने करोल बाग को ज़्यादा एक्सप्लोर क्यों नहीं किया, क्योंकि नो डाउट यहाँ पे कलेक्शंस आपको बहुत ही अमेजिंग देखने को मिल जाते हैं एंड रीजनेबल भी मिलते हैं, तो आपको ज़रूर विजिट करना चाहिए। एंड आपको इस तरीके के ऑक्सीडाइज वाले, आपको मिरर वर्क वाले एंड इस तरीके के कलरफुल झुमके के कलेक्शंस देखने को मिल जाएंगे 100 रुपीज़ एंड 50 रुपीज़ में। ये जो नीचे वाले हैं इन सभी का प्राइस है 50 रुपीज़ का एंड इनमें भी बहुत ही ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल थे, लाइक सिल्वर वाला आप देख सकते हैं, कलरफुल अगर आपको चाहिए एंड आपको अगर वेस्टर्न के लिए भी चाहिए तो वो भी यहाँ पर मिल जाएंगे। खाने पीने की, फूड स्टॉल की अगर मैं बात करूँ तो ये भी आपको जगह जगह देखने को मिलेंगे, मतलब स्ट्रीट फूड की तो भरमार है करोल बाग में। एंड आपको एथनिक वेयर की कलेक्शन चाहिए तो वो भी मिलेंगे, अभी तो फिलहाल 1-2 शॉप ही ओपन थी, लेकिन अगर आप मंडे के अलावा अदर डे में जाते हैं तो टोटली आपको एथनिक वेयर के कलेक्शन बहुत देखने को मिलेंगे, शॉप्स यहाँ पर बहुत ही अवेलेबल थे। मंडे वाले दिन ज़्यादातर शॉप्स बंद रहते हैं एंड आपको पटरी कलेक्शन देखने को मिलता है, इस तरीके की जैकेट की, कोट की, ब्लेजर की कलेक्शन देखने को मिल जाएंगे, मतलब सेल लगी हुई थी भरमार, नो डाउट क्वालिटी बहुत ही
अमेजिंग थी। इन सभी का प्राइस था 200 रुपीज़ का, बहुत ही सही लगे मुझे। हम आगे गए, आगे अगेन आपको इस तरीके की कोट की कलेक्शन, जैकेट की कलेक्शन देखने को मिल जाएंगे। इनका प्राइस भी था 200 रुपीज़ का। एंड लुक एट दिस पिंक वाला। एंड ये अगर इस टाइप की पॉपअप कलर की अगर आप जैकेट्स वगैरह, शर्ट या जो भी कोट्स वगैरह आप ऑनलाइन परचेज करते देखते हैं तो वो थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है। ये आपको रेमंड के ठीक नीचे ही मिलेंगे। एंड हर मंडे को भैया का कलेक्शन यहीं पर लगता है, पट्टी कलेक्शन। जैसे गेट नंबर 1 और 2 से आप एग्जिट करते हैं तो बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट में ही आपको इस तरीके से पटरी कलेक्शंस दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। लाइक इस टाइप के आपको जैकेट, कोट, ब्लेजर के कलेक्शंस देखने को मिलेंगे। आपको जीन्स के कलेक्शंस जगह जगह देखने को मिल जाएंगे। बेसिक स्वेटर के कलेक्शंस देखने को मिलेंगे। बार्गेनिंग आप कर लीजिएगा। एंड हम आगे जाते हैं, आगे अगेन आपको इस तरीके के छोटे छोटे मतलब पटरी कलेक्शंस देखने को मिल जाएंगे। कलेक्शंस तो मुझे अच्छे लगे, नो डाउट, बट अगर आप लेते हैं तो प्रॉपरली चेकआउट करने के बाद ही परचेज कीजिएगा। एंड यस, हर किसी स्वेटर वगैरह में आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। मजाक मत समझना हमारी बात को भैया। कितने गई? ये लो भैया 2000 वाला 70 रुपए। ओ माई गॉड, यहाँ पे आपको प्लस साइज़ के भी जीन्सेस की कलेक्शंस देखने को मिल जाएंगे। लुक एट दिस, एंड सिर्फ 200 रुपए में और भी ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। सारा मिलेगा आपको, लेडीज भी है, जेंट्स भी है। तो जैसे कि आपने सुनी लिया, भैया ने बताया है कि आपको जो है बॉयज़ के गर्ल्स के दोनों जीन्स की कलेक्शंस देखने को मिल जाएंगे। लोकेशन देख सकते हैं, गेट नंबर 1-2 से एग्जिट करेंगे तो सफीका स्टोर के ठीक सामने ही ये भैया लगाते हैं। एंड एवरी मंडे का कलेक्शन सेम ही प्लेस पर लगता है, तो आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। आपको जगह जगह 50-100 रुपीज़ के स्टॉल भी देखने को मिल जाएंगे। बट अगर कोई भी कलेक्शन सब स्टॉल से लेते हैं तो प्रॉपरली से चेकआउट करने के बाद ही परचेज़ कीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे जो है डिफ़ॉल्टेड पीस भी मिल जाते हैं एंड ब्रांड की डूप भी मिल जाते हैं, अच्छे कलेक्शंस भी मिल जाते हैं। तो लेने से पहले उसे प्रॉपरली चेकआउट करने के बाद ही परचेज़ कीजिएगा। एंड 50-100-250 की कलेक्शंस मतलब अच्छे थे, बट प्रॉपरली चेकआउट कर लीजिएगा। एंड यस, अगर आप यहाँ तक आई गए हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप पूरी वीडियो देख लेते हैं ना वीडियो को लाइक करते हैं, एंड चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी आपका चार्जेस नहीं लगेगा, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए, एंड ताकि जो भी मेरी अपकमिंग लेटेस्ट वीडियो की उसकी नोटिफिकेशन आपको इमीजिएटली मिल जाएगी। तो इस तरीके की आपको जो है ट्राउजर के कलेक्शन देखने को मिल जाएंगे। इनके पास कलर ऑप्शन बहुत ही अमेजिंग थे। 300 रुपीज़ का इसका प्राइस था एंड साइजेस सारे ही अवेलेबल थे। उसके बाद मैं आगे गई, आगे जैसे कि आप देख ही सकते हैं जगह जगह आपको पट्टी कलेक्शंस देखने को मिली जाएंगे। एंड इस टाइम तक रश भी काफ़ी हो गया था। 50-100 रुपीज़ के स्टॉल भी आपको देखने को मिलेंगे, बट लेते हैं तो प्रॉपरली चेकआउट करने के बाद ही लीजिएगा। कहीं कहीं मुझे क्वालिटी ठीक लगी एंड कहीं कहीं ऐसी मतलब एवरेज थी। सो जब भी लेंगे प्रॉपरली चेकआउट करने के बाद ही लीजिएगा। देन उसके बाद मैं आगे गई, एंड आगे मैंने और भी मार्केट को एक्सप्लोर किया है। सो वो मैं आपको दिखाऊंगी अपने नेक्स्ट पार्ट में करोल बाग के। सो आई होप गाइस आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो उसे लाइक कीजिए, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए, इससे जो भी मेरी अपकमिंग लेटेस्ट वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको इमीजिएटली मिल जाएगी। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, टेक केयर, लव यू ऑल।